गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यहाँ पे जिंकोविट टैबलेट के बारे में और साथ ही जिंकोविट सिरप के बारे में। दोनों के अंदर सेम कॉम्पोजिशन है, तो गाइस इनके कॉम्पोजिशन के बारे में समझेंगे कि किस किस फायदे के लिए इसके अंदर के ये कॉम्पोजिशन है, जिसको जैसे आपको इनका बेनिफिट्स के बारे में पता चलेगा। और गाइस बेनिफिट्स के अलावा हम यहाँ पे डोज के बारे में देखेंगे, कितना डोज में आपको ये लेना चाहिए। और गाइस एट द एंड हम साइड इफेक्ट के बारे में जानेंगे। तो गाइस कंप्लीट हम इस वीडियो में सब कुछ देखने वाले हैं, तो एक बार आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखें। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मेरे पास ये दोनों ही है, जिनको वे टैबलेट और सिरप, जिसके अंदर सेम कॉम्पोजिशन है। क्या कॉम्पोजिशन है वो भी आपको बता देता हूँ। तो इसके अंदर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। अब यहाँ पे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट किसे कहते हैं वो भी आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर मल्टी विटामिन्स और मल्टी मिनरल्स ये दोनों है। ये दोनों की वजह से इसको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट बोला गया है। मल्टी विटामिन्स जैसे कि हो गया विटामिन ए हो गया, और बी कॉम्प्लेक्स हो गया। बी कॉम्प्लेक्स में आपके विटामिन बी वन हो गया, बी टू हो गया, बी थ्री, बी फाइव, ऐसे बी ट्वेल्व हो गया, तो ये सारे आते हैं और दोनों में ही है, सेम है। और इसके अलावा विटामिन सी हो गया, विटामिन डी थ्री हो गया, विटामिन ई हो गया, तो ये मल्टी विटामिन्स है। देख रहे हो गाइस कितना ज़्यादा फायदा है। इनमें से आपको कोई भी बॉडी के अंदर कमी है तो उन सभी कमी को ये पूरा कर रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे मैंने बोला मल्टी मिनरल्स हैं। मल्टी मिनरल्स जैसे कि हो गया, इसके अंदर आयरन है, इसके अंदर कॉपर है, इसके अंदर बात करें तो सेलेनियम है, क्रोमियम है, जिंक है, तो गाइस यहाँ पे बहुत कुछ है, और आयरन भी है साथ ही। तो गाइस ये सब आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हेल्थ बात करें तो ब्लड के फॉर्मेशन के लिए, इम्यूनिटी बूस्ट के लिए बहुत सारा फ़ायदा है। तो गाइस वो मैं आपको बताता हूँ। और गाइस उससे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि गाइस इसके इंग्रेडिएंट्स एक और है, जैसे कि यहाँ पे ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है। अब ये जो ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है ना, ये एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। अब ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, जो कि आपका जो स्किन है इसको हेल्थी रखने का काम करते हैं, जो ऑर्गन है तो ऑर्गन को रिकवरी और हीलिंग के लिए भी काम करते हैं। तो गाइस ये तो कुछ इसके इंग्रेडिएंट्स हो गए। अब बात कर लेते हैं इनका क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, इनको लेने की वजह से हमें क्या क्या फ़ायदा देखने को मिलता है। पहली बात, आपको अगर विटामिन्स की कमी है, आपको अगर मिनरल्स की कमी है, तो ये जो है वो आपके लिए एकदम बेस्ट है। इसके अलावा बात करें तो जो आपकी इम्यूनिटी है ना, उसको स्ट्रॉन्ग यानी बूस्ट करने का काम करता है। क्यों करता है? बिकॉज इसके अंदर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया जिंक प्रेजेंट होता है। ऐसे ही हर एक विटामिन, हर एक मिनरल का अपना अपना काम होता है। अब ये जो आपके बॉडी के अंदर अगर खून की कमी यानी आरबीसी की कमी है, तो उसको भी ये फुलफिल करवाने का काम करता है। कैसे करवाता है? तो उसके लिए इसके अंदर आयरन है। आयरन का काम क्या होता है? आयरन का काम है कि जब हम इसको लेंगे तो बॉडी के अंदर से इंस्टाटाइन से एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद वो ट्रांसफरिंग के थ्रू चला जाता है वहाँ पे जहाँ पे प्रोडक्शन होता है आरबीसीज का, उसके प्रीकर्सर्स के पास जहाँ पे हीमोग्लोबिन यानी आरबीसी का वहाँ पे प्रोडक्शन होता है। तो गाइस आयरन की वजह से ये हो गया। ऐसे ही यहाँ पे गाइस हर एक जो है उसका अपना अपना रोल होता है इंग्रेडिएंट्स का। तो गाइस ये आपका जो एपेटाइट जो कि लॉस हो गया यानी ख़त्म हो गया था, यानी भूख जो होती है उसको रिकवरी करने का काम करता है, यानी आपको दोबारा भूख लगने लगता है। तो गाइस इस सिरप का आपने भी यूज़ किया होगा, टैबलेट तो नहीं बट सिरप का तो ज़रूर आपने बचपन में अपने यूज़ किया होगा। मैंने भी यूज़ कर रखा है। क्या होता है कि हम बचपन में आपने देखा होगा, आपके मॉम डेड हो गए, ये डॉक्टर के पास आपको ले जाते हैं, बोलते हैं कि हमारा बेटा जो है वो दुबला पतला है और कुछ खाना पीना नहीं खाता है, तो उसके लिए कोई टॉनिक लिख दो जिसकी वजह से वो हेल्थी दिखे। तो गाइस डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर ऐसा थोड़ी कुछ लिख देता है जिसकी वजह से मसल गेन हो जाए, ऐसा कुछ नहीं लिखता। वो यही लिखता है ताकि आपका एपेटाइट जो है वो जा चुका है, उसको ये करे, ठीक करे, जिसकी वजह से भूख लगे, और भूख लगेगा तो नेचुरल हम खाना खा रहे हैं वो पूरा हो रहा है। इसके अंदर जो विटामिन न्यूट्रिशन मिनरल्स की कमी है वो भी पूरा हो रहा है। तो गाइस इस वजह से ये वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है आपके हेल्थ के लिए। तो और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग दे रहा है, इम्यून सिस्टम को मजबूत कर रहा है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से हमें कोई भी बीमारी है आसपास की वो नहीं हो रही है। इसके अलावा इसको प्रेगनेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं, बट डॉक्टर के कंसल्ट से ज़रूर यूज़ करें इसका, विदाउट डॉक्टर से पूछें नहीं यूज़ करना है। इसके अलावा आपको सर्जरी में भी यूज़ कर सकते हो। आप सर्जरी के टाइम पर आपको मालूम है ब्लड का लॉस हुआ रहता है, तो वो लॉस रिकवरी कौन करवाएगा? ये सिरप करवाएगा। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, आप और भी ले सकते हो आरबीसी फॉर्मेशन के लिए, बट इसका यूज़ किया जाता है वो मैं बता रहा हूँ। सर्जरी में और क्या होता है, आपको वीकनेस जैसा लगता है यानी आपको कमजोरी जैसा लगता है, तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा है। इसलिए इसके अलावा अगर हम बात करें तो इलनेस से जल्दी रिकवरी दिलाने का काम करता है। अगर आप बीमार हो तो जल्दी से आपको ठीक करने का यानी क्विक हील करने का काम करता है आपके हेल्थ को। ओवरऑल ये आपको हेल्थ को ठीक कर रहा है, और साथ ही आपको भूख लगाने का काम कर रहा है, खून की कमी को पूरा कर रहा है, वीकनेस है तो वीकनेस को दूर कर रहा है, फैटिक थकावट यानी पेन आपके बॉडी में है तो उसको भी ठीक कर रहा है।
तो गाइस बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं इसको लेने का। और गाइस अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट, तो साइड इफेक्ट वैसे तो नहीं होता कोई सा भी, बिकॉज इसके अंदर आप देख रहे हो जितने भी यहाँ पे कॉम्पोजिशन है ना, सारे कॉम्पोजिशन को कम अमाउंट में है, कोई ज़्यादा अमाउंट में है नहीं। बट अगर आप इसका ओवर डोजिंग कर लोगे तब आपको कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग हो गया, स्किन रैसेस हो गए, तो ये सब जेन्युइन सी है। बट ओवर डोजिंग पे देखने को मिल रहा है, वैसे आपको नहीं देखने को मिलेगा कोई भी यहाँ पे आपको साइड इफेक्ट। अब डोज के बारे में बात करें, क्या डोज है जिसकी वजह से आपको साइड इफेक्ट ना देखने को मिले, तो नॉर्मल जो डोज होता है इस टैबलेट को खाना खाने के बाद एक टैबलेट लेना है आपको एक दिन में। और अगर वहीं पे बात करें सिरप का, तो सिरप को भी आपको 5 ml ही लेना है, आफ्टर फूड लेना है और दिन में एक ही बार लेना है। तो गाइस ये इनके डोज के बारे में हो गया। और गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे इस वीडियो का लाइक करें। और आपके पास कोई टॉपिक हो जिस पे हम आपको उस मेडिसिन का बारे में जानना हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो पर उसके ऊपर लेके आ जाएंगे।